हेलो, मेरा नाम है गौरा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। कई लोगों को ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम समझने में बड़ी दिक्कत आती है, और जब इसके क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा घूम के अगर, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर उनसे नहीं हो पाते। इस लेक्चर में देखिए, हम समझेंगे फेजर डायग्राम को और आपको आसानी से समझ आएगा। अगर आप इस लेक्चर को समझ गए तो आपको कभी भी फेजर डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम, और मैं गारंटी देता हूं आपको इसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी फेजर डायग्राम बनाने में। देखिए, फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको पहले इक्विवेलेंट सर्किट पता होना चाहिए, और दूसरी बात, आप ये डिसाइड करेंगे कि इक्वेशन में आपको अपोजिशन दिखाना है या फिर आपको दिखाना है अपोजिशन सर्किट में। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए फेजर डायग्राम अलग अलग बनेगा। क्यों बनेगा अलग? क्योंकि हमने देखा था कि अगर मैं अपोजिशन दिखाता हूं इक्वेशन में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में ही 90 डिग्री से लैग करेगी फ्लक्स से। और अगर मैं अपोजिशन दिखाता हूं इक्वेशन में, सॉरी, अगर मैं अपोजिशन दिखाता हूं किसमें, सर्किट में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड में 90 डिग्री क्या करेगी? लीड करेगी। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए, हमने क्या देखा था, एक प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता था और प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस होगा। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग में एक ब्रांच होती थी जिसमें होगा कोर लॉस रेजिस्टेंस, और एक आता था मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है, जिसको हम बोलते थे आरसी, इसको हम बोलते थे एक्सएम। ठीक है, इस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस में जाने वाली करंट होगी आईएम, मैग्नेटाइजिंग करंट, और इसमें होगी कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट या एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, और इन दोनों करंट को ऐड करने के बाद हमको मिलती थी नो लोड करंट। समझ आ गई यहाँ तक बात? ये हम देख चुके हैं पहले। फिर हम बनाएंगे, देखो, प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमने बना दी प्राइमरी साइड वाइंडिंग। ठीक है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितना होगा? इस प्राइमरी वाइंडिंग में करंट हम बोलते थे I1 डैश। फिर बनाएंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग, ये हमने बना दी सेकेंडरी वाइंडिंग। इस सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा एक रेजिस्टेंस और होगा एक लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, और हमने यहां लगा दिया एक लोड। समझ आ गई यहां तक बात? ये हम पहले देख चुके हैं। इसको हम बोल देते हैं R2 और इसको हम बोल देते हैं JX2, और यहां हम बोल देते हैं R1 और इसको हम बोल देते हैं JX1। सप्लाई वोल्टेज है V1। ठीक है, अब देखिए, यहां जो हमने वोल्टेज लेनी है वो हमने लेनी है सपोर्ट में, इसका मीन्स अपोजिशन हम दिखाएंगे इक्वेशन में। तो इसको हम क्या लेंगे, देखो, E1 और E2। देखिए, तो E2 प्लस और माइनस, E1 और E2 दोनों होंगे सेम डायरेक्शन में। देखो, यहां प्लस लेने का और यहां माइनस लेने से, ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि E1 में तो यहां प्लस यहां माइनस लिया है, तो E2 और E1 अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है ना, दोनों ही अगर फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रहे हैं, तो फिर दोनों में यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में इक्वेशन फिर भी सेम आएगी। ठीक है, तो आप अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस ले लेंगे, उस केस में करंट की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम करंट की डायरेक्शन मानेंगे इस डायरेक्शन में, और इस करंट को हम बोल देंगे I2। तो करंट जब यहाँ से फ्लो करेगा लोड में, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, और यहाँ क्या आएगा? माइनस। ये वोल्टेज कितनी होगी? V2। ठीक है, तो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। I0 और I1 डैश को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा I1। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट था और हमने सर्किट में अपोजिशन नहीं दिखाया हुआ। चलिए, अब हमको क्या किन किन चीजों की जरूरत है और कौन सी इक्वेशन चाहिए, हम यहां निकाल लेते। तो आप इस लूप में, ठीक है, आप इस लूप में एक केवीएल इक्वेशन लगाइए। इस लूप में अगर मैं केवीएल इक्वेशन लगाऊंगा तो देखिए कैसे निकलेगी। देखिए, यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट एंटर करेगा तो प्लस, यहां माइनस, ऐसे यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा। ठीक है ना, लगाइए केवीएल। तो इससे मैं अगर इस साइड जाऊंगा तो मिलेगा, देखो, मुझको प्लस का V1, उसके बाद मुझको मिलेगा माइनस I1 इनटू में मिलेगा R1, उसके बाद मुझको मिलेगा माइनस JI1 इनटू X1।
ठीक है ना, आई वन में इंटू मल्टीप्लीकेशन कर देंगे जे एक्स वन का, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज होती है करंट इंटू में रेजिस्टेंस या फिर करंट इंटू में रिएक्टेंस। यहां चलेंगे तो हमको मिलेगा प्लस के ई वन और बराबर होगा जीरो। आएगी या नहीं आएगी क्वेश्चन? बिल्कुल आएगी। यहां से अगर मुझको चाहिए वी वन तो वी वन में कैसे निकालूंगा, देखो तो वी वन बराबर, ये सब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, तो ये होगा माइनस ई वन, प्लस हो जाएगा देखो आई वन आर वन, और प्लस हो जाएगा देखो जे आई वन एक्स वन। समझ आ गई यहां तक बात? तो एक इक्वेशन ये होगी जिसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, तो इसको रखिएगा आप याद। अब दूसरा देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस सेकेंडरी वाइंडिंग में केवीएल इक्वेशन लगाएंगे इस तरीके से लूप में। तो चलिए इस लूप में देखो, जहां से करंट एंटर करेगा वहां लगाएंगे प्लस, यहां माइनस। ऐसे देखिए, यहां प्लस लगेगा और यहां क्या लगेगा, माइनस। चलिए इसमें तो प्लस का मिलेगा मुझको E2, उसके बाद इस साइड जाऊंगा तो मिलेगा माइनस I2 into R2, उसके बाद देखिए आगे चलेंगे तो मिलेगा माइनस J I2 into X2, और इस साइड जाएंगे तो मिलेगा मुझको माइनस V2 बराबर जीरो। यहां से हम निकाल लेते हैं E2, अगर E2 में निकालूंगा तो मुझको मिलेगा V2, देखो इस V2 को उस साइड ले जाएंगे, ये नेगेटिव का है, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो V2 प्लस मिलेगा मुझको I2 R2 प्लस मिलेगा मुझको A I2 X2। तो दो इक्वेशन हमको यहां से मिल गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं साइड में कहीं भी लिख लेने वाला हूं क्योंकि इनकी जरूरत मुझको पड़ने वाली। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट से हमने क्या निकालनी, दो इक्वेशन निकालनी जिनके थ्रू हम फेजर डायग्राम बनाने वाले। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। तो देखिए जिन इक्वेशन की नीड होने वाली है उनको मैंने यहां पे लिख लिया है। अब हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो देखिए इस लेक्चर में हम बनाने वाले हैं फेजर डायग्राम यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए। इसका मींस क्या है, इसका मींस ये है V2 एंड जो I2 होगा उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, जीरो डिग्री। इसका मींस V2 और I2 दोनों होंगे सेम डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि जब एंगल जीरो होगा तभी पावर फैक्टर क्या होगा, वन होगा, यूनिटी होगा। तो हम उस केस के लिए बनाने वाले हैं जब पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी होगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, हम बनाने वाले हैं ये, हमने जब अभी देखो अभी हमने जो सर्किट बनाया था उसमें हमने लिया था E1 greater than E2, ढंग से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में हमने ज्यादा लिए। इसका मतलब हम केस लेने वाले हैं किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है ना। इसका मीन्स ये भी हुआ I2 greater than होगा किससे, I1 से। ये बात समझ आ गई आपको, इस पॉइंट्स को आपको याद भी रखना है कि अगर आपने E1 greater than बनाया है ना तो I2 को आपको greater than बनाना पड़ेगा I1 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए ये अगर फ्लक्स की लाइन है, ठीक है, ये फ्लक्स की लाइन है phi, ये अगर फ्लक्स की लाइन है phi, तो E1 वोल्टेज कहाँ होगी, तो E1 वोल्टेज होगी इस फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगी, 90 डिग्री होगी पीछे, तो इस फ्लक्स से होगी 90 डिग्री E1 पीछे। तो मैं यहां बना देता हूं, देखो ये हो गई 90 डिग्री पीछे E1, तो ये वोल्टेज हो गई E1। तो माइनस E1 कहां होगी, माइनस E1 इसके अपोजिट होगी। तो माइनस E1 अगर मुझको बनाना हो तो देखो माइनस E1 में क्या बनाऊंगा, एक सेकेंड गड़बड़ हो गई, तो माइनस E1 में बनाऊंगा, देखिए तो माइनस ई वन होगी इसके जस्ट अपोजिट में, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलिए तो यहां क्या होगी, माइनस ई वन, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, तो ये वोल्टेज है माइनस ई वन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम क्या कहने वाले हैं, इस फ्लक्स की डायरेक्शन में मिलेगा मुझको आई एम, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आई एम की वजह से क्या आता है, फ्लक्स आता है। और आईसी करंट कहां होता है, आईसी करंट होगा माइनस ई वन की डायरेक्शन में। कैसे होता है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं।
देखो ये रेजिस्टेंस था प्राइमरी साइड में, ये रिएक्टेंस था, यहाँ आर सी होता था और ये मान लीजिए एक्स एम होता था। यहाँ माइनस और प्लस क्या होती थी, इवन इस प्राइमरी वाइंडिंग पे, ठीक है, ऐसे होती थी। इसका मीन्स इस आर सी में वोल्टेज कितना है, देखो तो इस आर सी में वोल्टेज होगी ये माइनस इवन, होगी या नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल में होती है वोल्टेज सेम, तो माइनस इवन वोल्टेज यहाँ मिलेगी। और यहाँ करंट कौन सा है, आई सी करंट। और रेजिस्टेंस में हम जानते हैं जो करंट होता है वो वोल्टेज की डायरेक्शन में, और आर सी में वोल्टेज कितना है, माइनस इवन। इसका मीन्स ये आई सी इस माइनस इवन की डायरेक्शन में होगी, समझ आ गई बात। तो ये आई सी कहाँ होगी, इस माइनस इवन की डायरेक्शन में। तो यहाँ हमने बना दिया, देखिए यहाँ हमने बना दिया आई सी। और अगर मैं इस आई सी और आई एम को अगर कर दूंगा एड इन दोनों को, तो हमको मिल जाने वाला है आई नॉट, नो लोड करंट, जो कि होता है फुल लोड करंट का 2 से 5%। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड में जो लोड पर वोल्टेज है V2, उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हम उसको V2 को हम बना लेते हैं, मान लीजिए V2 वोल्टेज, देखिए आपको दिख रही होगी, तो V2 वोल्टेज को हम मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में V2 वोल्टेज है, ठीक है। तो ये वोल्टेज कितनी है, ये वोल्टेज है V2। तो हमने रेंडमली कहीं भी V2 वोल्टेज बना ली। देखो हमको पता है कि जो करंट I2 है, ठीक है ना, वो I2 करंट इस V2 के डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने क्या बोला है, पावर फैक्टर कैसा है, यूनिटी। और अगर पावर फैक्टर यूनिटी है लोड का, इसका मीन्स लोड वोल्टेज V2 और लोड करंट I2 दोनों कहाँ होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मीन्स ये हुआ, जो I2 करंट यहाँ से निकलने वाली है, वो I2 करंट इस V2 की डायरेक्शन में ही, इस V2 की डायरेक्शन में ही निकलेगी। तो इस करंट को हम बोल देते हैं I2 करंट, ठीक है। ये करंट कितनी है, I2 करंट। देखिए इसको I2 करंट को मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि हम जब ड्रॉ करेंगे I1 करंट, ठीक है ना, तो I2 I1 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए I2 का पहले खूब बड़ा बना लीजिए। अब देखिए हमारा I2 मिल गया। अब इस इक्वेशन से देखिए, आप इस इक्वेशन से देखिए, अगर मुझको चाहिए E2, अगर मुझको चाहिए E2, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस V2 में ऐड करना पड़ेगा I2 R2 को, और फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा J I2 X2 को। तो करिए ऐड। आप देखो I2 R2 कहाँ होगा, I2 R2 होगा I2 की डायरेक्शन में, क्योंकि रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होती है वो करंट की डायरेक्शन में होगी। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है, इसका मीन्स I2 R2 कहाँ होगा, इस करंट की डायरेक्शन में ही होगा। इस I2 R2 को मैंने उठाया और इस V2 में ऐड कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी, ये होगी I2 R2। तो हमने V2 में किसको ऐड कर दिया, I2 R2 को ऐड कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस I2 R2 में, V2 में हमने I2 R2 ऐड कर दिया, ठीक है, यहां तक हो गया काम। अब इसमें हम ऐड करेंगे J I2 X2। अब यहां J का मीन्स क्या है, J का मीन्स होता है 90 डिग्री लीड या 90 डिग्री आगे होना। अब आगे का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, ये करंट अगर आई है, ठीक है ना, और मुझको लिखना है आई इंटू में जे, आई इंटू में एक्स, ठीक है, जे आई एक्स लिखना है। जे का मतलब 90 डिग्री आगे, तो 90 डिग्री आगे होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमको इस डायरेक्शन में 90 डिग्री जाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री देखिए ये होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई एक्स। तो जब भी प्लस 90 डिग्री होगा तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर तो आपको। चलिए तो यहां से देखिए, आप मुझको क्या चाहिए, मुझको इस I2 R2 में अब ऐड करना है J I2 X2 को। इसका मतलब मुझको जाना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए यहां से, तो ये देखिए ये डायरेक्शन किसकी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमको जाना है 90 डिग्री। तो देखिए हम जाएंगे 90 डिग्री, तो देखो ये होगा, ये क्या होगा, ये होगा I2 X2, J लगा दीजिए। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको वोल्टेज कौन सी मिलेगी, हमको वोल्टेज मिल जाएगी E2, ठीक है। देखो इसी लाइन तक रुक जाना आप, क्यों, क्योंकि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये हमको क्या मिल गई, E2 वोल्टेज मिल गई। तो हमारा सेकेंडरी साइड का काम हो चुका। अब हमको चाहिए I1 करंट, क्योंकि जब I1 करंट निकलेगी तो ही हम V1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। और I1 करंट को निकालने के लिए मुझको जरूरत पड़ेगी किसकी, I1 डैश की। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि I1 डैश करंट क्या होती है। देखो I1 डैश करंट होती है लोड की वजह से
प्राइमरी साइड में आने वाली करंट, ठीक है। तो ये आई वन डैश करंट क्या करती है, जो सेकेंडरी साइड में, जो लोड साइड में, लोड में करंट है आई टू, उस करंट को क्या करती है, अपोज करती है। इसका मीन्स ये आई टू के अपोजिशन में होगी, लेकिन होगी कहां पे, आई टू के डायरेक्शन में। क्यों होगी, देखो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर मुझको लिखना हो आई टू अपॉन में आई वन डैश, तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझको एन वन अपॉन में एन टू, जिसको हम बोलते थे टर्न रेशियो ए। तो यहां से अगर मुझको आई वन डैश निकालना हो तो क्या मिल जाएगा बताओ मुझको, तो आई वन डैश मिलेगा देखो यहां से एन टू अपॉन एन वन और इन टू में आई टू। इसका मतलब ये हुआ आई टू और आई वन का होंगे सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एन टू अपॉन एन वन तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब जो मिलेगा आई वन डैश वो कहां होगा, वो होगा इस आई टू की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए हमको बनाना है आई वन डैश, तो आई वन डैश कहां बनेगा, आई वन डैश बनेगा इस आई टू के विपरीत, ठीक है, लेकिन उसी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो यहां से अगर मुझको बनाना हो, ऐसे ले लेता हूं मैं जिससे आपको भी दिख जाए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कौन होगा, तो ये जो करंट निकलने वाली है ये करंट कौन सी होगी, आई वन डैश, जो आई टू की डायरेक्शन में ही है लेकिन उसके विपरीत है। विपरीत क्यों, क्योंकि आई वन डैश आई टू के अपोजिशन में होती है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिए अगर I1 डैश को और I0 को मैं कर दूंगा ऐड, तो मुझको मिल जाएगी कौन, I1। तो करिए ऐड, देखिए अब ऐड करने वाला हूं मैं। तो देखिए अब हम चतुर्भुज के नियम से ऐड करेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से। तो देखो ऐड कर देता हूं मैं, देखिए कुछ कुछ हो सकता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए तो चल जाएगा, ऐसी हमारी कोई ड्रॉइंग प्रतियोगिता नहीं हो रही, ठीक है। तो ये जो करंट हमको मिलने वाली है, ये करंट कौन सी होगी, ये करंट होगी आई वन, ठीक है ना। और ये आई वन करंट हमने कैसे निकाली है, आई वन करंट हमने निकाली है, हमने जोड़ दिया किसको, आई वन डैश को और प्लस के आई नॉट को, ठीक है। ये हमने वेक्टर सम किया है, ध्यान रखना, ये हमने फेजर सम किया है, डायरेक्टली ऐड नहीं किया। तो हमको मिल गया आई वन। अब देखो क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए कि अगर मैं माइनस ई वन में, इस माइनस ई वन में जोड़ दूं आई वन आर वन और जे आई वन एक्स वन, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वी वन। तो इस माइनस ई वन में मैं ऐड करने वाला हूं आई वन आर वन को। देखो आई वन इस डायरेक्शन में, तो आई वन आर वन भी कहां होगा, आई वन आर वन भी होगा इस आई वन की डायरेक्शन में। तो मान लीजिए ये क्या निकलेगा, आई वन आर वन, इसको मैंने उठाया और माइनस ई वन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसको मैंने उठाया और माइनस ई वन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखो ये माइनस ई वन में ऐड हो गया, तो ये क्या निकला है, ये है आई वन आर वन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो अब हमको क्या करना है, प्लस के जे आई वन एक्स वन। अब जे आई वन एक्स वन कहां होगा, इस आई वन के 90 डिग्री प्लस में। 90 डिग्री प्लस मतलब हम किस जाएंगे, देखो ये अगर आई वन है तो 90 डिग्री प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर जाना है हमको, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, देखो तो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, है ना, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखो इसको उठाया और हमने क्या किया, यहाँ पे I1 R1 में उसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे I1 X1, ठीक है, J I1 X1। और अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहां से अगर इस पॉइंट को मैं अब यहां से हटा देता हूं, ठीक है, ये IC था, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिला दूंगा, ठीक है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, अरे टेढ़ी हो गई, तो ये वोल्टेज हमको क्या मिल जाएगी, V1, ठीक है। तो देखो दोबारा देख लीजिए V1 हमको कैसे मिली, हमने क्या किया, देखो माइनस E1 में ऐड कर दिया I1 R1 को, I1 R1 होगी इस I1 की डायरेक्शन में। तो देखो हमने इस I1 R1 को इस I1 के पैरेलल में बनाया, और इस I1 I1 के 90 डिग्री पे कौन होगी, I1 X1। तो I1 के 90 डिग्री पे हमने क्या बना दिया, I1 X1। और जब इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, तो इसको हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज V1, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम बनेगा किसके केस में, जब लोड पावर फैक्टर होगा यूनिटी, ठीक है। लोड पावर फैक्टर कैसा होगा, यूनिटी। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेजर डायग्राम लैगिंग लोड के लिए, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लीडिंग लोड के लिए, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।